अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर अंसारी। इससे पहले कौन सा चैप्टर आपको हम पढ़ाए हैं? सिक्स। और सेवेंथ भी हो गया है? यस। आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? एट। चलिए, एट चैप्टर में क्या नाम है? कित कित। गुड। ये वार्मर में, ये है ना वार्मर, कि विच गेम डू यू प्ले ऑफन, इसका क्या मतलब हुआ? विच का मतलब होता है जिसका या किसका या कौन सा, और गेम कहते हैं, गेम समझते हैं ना, प्लेइंग गेम होता है। डू यू प्ले ऑफन, डू यू प्ले ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। क्या होता है? अक्सर। आप कौन सा गेम अक्सर खेलते हैं बताइए? क्रिकेट। गुड। व्हाट डू यू लाइक अबाउट इट, उसमें क्रिकेट में आपको क्या पसंद है? व्हाट डू यू लाइक, व्हाट का मतलब हुआ क्या, डू यू लाइक आपको पसंद है, अबाउट इट इसके बारे में आपको क्या पसंद है? बॉलिंग करना। गुड। बॉलिंग करना आपको पसंद है? यस। चलिए तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। What means क्या होता है, ये जो what लिखा हुआ है? गुड। और like का मतलब क्या होता है? पसंद करना। और about means क्या होता है? के बारे में। about means के बारे में। It was the lunch hour in the school. It was the lunch hour in the school. Good. क्या हुआ इसका मतलब? It was, ये जो है ना, ये introductory है, यानी कि ये introduction कराता है। It was the lunch, किस चीज का टाइम था? लंच का। आवर का मतलब होता है घंटा। ये लंच का घंटा था कहाँ? इन द स्कूल। स्कूल में लंच का घंटा था। द गर्ल ऑफ क्लास थ्री, द गर्ल ऑफ क्लास थ्री, द गर्ल ऑफ क्लास थ्री, आप पढ़िए नहीं, आप सुनिए, है ना? ठीक है। तीसरे क्लास की लड़कियां हैड टेकन देयर मिड डे मील। तीसरे क्लास की लड़की अपने मिड डे मील खा रही थी। क्या कर रही थी? मिड डे मील खा रही थी। खुशबू सेड टू हर फ्रेंड्स, खुशबू ने अपने दोस्त से कहा, किसे? दोस्त से। लेट्स प्ले किट किट या कित कित, क्या? लेट्स प्ले, चलो कित कित खेलें, चलो कित कित खेलें। गुड। आगे चलिए, देखिए ये कौन सा खेल हो रहा है, इसमें देख रहे हैं ना पिक्चर आप, कित कित, ये क्या है? कित कित है ना। चलिए आगे देखिए। ऑल ऑफ देम एग्रीड, ऑल का मतलब होता है सब, और ऑल ऑफ देम का मतलब होता है वे सब। क्या होगा? वे सब। एग्रीड का मतलब होता है तैयार होना, मान जाना। क्या होता है? मान जाना। दे वेंट टू द प्ले ग्राउंड, यहाँ देखिए ये क्या है? वेंट है। गो मीन्स क्या होता है? जाना। और वेंट मीन्स क्या होगा? गो जो है इसका पास्ट है वेंट, प्रेजेंट हुआ जाओ, वो कहेंगे तो जाओ, और वेंट कहेंगे तो चला गया। वेंट का मतलब क्या होगा? चला गया। चला गया। दे वेंट टू द प्ले ग्राउंड, वे सब चले गए कहाँ? प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड मीन्स क्या होता है? खेल का। गुड। दे ड्रू, ड्रू देखिए, डी आर ई डब्ल्यू ड्रू, दे ड्रू अ कोट, ऐसे जो बनाते हैं ये है ना, देखिए इसको कहेंगे हम ड्रू, ड्रॉ होता है ना ड्रॉ, तो ड्रॉ का पास्ट क्या होता है? ड्रू। वो क्या बनाया? इस तरह से बनाया। इट हैड सिक्स ब्लॉक इन अ सीरीज, एक सीरीज में कितना था? छह ब्लॉक था, इसको ब्लॉक कहेंगे। देखिए ये वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, है ना, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, कितना ब्लॉक था? सिक्स ब्लॉक था। दे डिवाइडेड द फोर्थ एंड द सिक्स ब्लॉक इनटू इक्वल लेवल, वो क्या किया? चौथा और छठा ब्लॉक को बराबर भाग में बांटा, है ना। आगे आइए, ज्योति स्टार्टेड द गेम, किसने शुरू किया गेम को? ज्योति ने। शी, ज्योति समझ, स्टार्टेड का मतलब क्या होता है? शुरू करना। गुड। शी थ्रू, थ्रो होता है ना, थ्रो थ्रू थ्रो, तो थ्रू का मतलब हुआ फेंकी।
शी थ्रू द मेकर इन टू द फर्स्ट ब्लॉक, ऐसे करके जो फेंकती है हाँ कहाँ पे फेंकी, इन टू द फर्स्ट ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक में उसको वो फेंकी। देन सी होप्ड थ्रो द कोर्स, देन सी होप्ड थ्रो द कोर्स, सी हैड टू स्कीप द ब्लॉक विद द मार्कर इन इट, सी हैड टू स्कीप, फिर उसने क्या किया एक ब्लॉक को क्या किया मिटा दिया। इन द सेकेंड राउंड, और दूसरे राउंड में द मार्कर टच द लाइन, मार्कर क्या किया लाइन को टच किया, यहां देखिए ये देख रहे हैं ना, इसको ऐसे करके काट दिया। तो इसी को कहा कि सी हैड टू एस्केप द ब्लॉक विद द मार्कर, मार्कर से ब्लॉक को क्या किया एस्केप कर दिया। आगे बढ़िए, सी वॉज आउट, फिर क्या हो गया वो आउट हो गई, वो नो इट वॉज खुशबू टर्न, अब किसकी बारी थी खुशबू, खुशबू। मेनी गर्ल्स एंड बॉयज वर वॉचिंग देम, बहुत सारे लड़कियां और लड़के उन लोगों को देख रहे थे। वॉचिंग का मतलब देखना, देखना, और वर का मतलब वाज, मतलब क्या होता है वाज मीन्स होता है था, और वर का भी मतलब क्या होता है था। तो जब सिंगुलर होगा तो फिर वहां वॉज का यूज होगा, क्या होगा वॉज, और जब प्लूरल होगा तो वेयर का, प्लूरल होगा तो यू वेयर या वर, है ना। अब आइए सडनली, सडनली मीन्स क्या होता है अचानक। कुणाल सर रिस्ट देयर, कुणाल सर वहां पहुंचा, ही टोल्ड देम दैट इट इज वेरी पॉपुलर गेम अमंग द गर्ल्स इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, उन्होंने कहा, ही टोल्ड, उन्होंने कहा उनसे दैट कि इट इज, यह है वेरी पॉपुलर, बहुत फेमस, पॉपुलर का मतलब क्या हुआ मशहूर गेम है अमंग द गर्ल, लड़कियों के बीच का यह बहुत मशहूर गेम है इन द ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, लगभग लगभग सारे देश में, कंट्री का मतलब क्या होता है गुड। सम कॉल इट स्टैपू, सम क्या कहते हैं इसको स्टैपू, कहीं कहीं इसे कहा जाता है स्टैपू, एंड सम अदर, और कहीं कहीं कहा जाता है हॉप्स कोच, क्या कहा जाता है हॉप्स कोच। ही एडेड, उसने इस चीज को जोड़ा। देन बेल रैंग, और फिर घंटी बज गई, क्या हुआ घंटी बज गई, एंड द चिल्ड्रेन वेंट बैक टू देयर क्लासरूम, और बच्चे कहाँ चले गए क्लासरूम गुड। तो इतना समझ में आ गया, वेंट का मतलब आप समझ गए क्या हुआ, गो का पास्ट क्या होता है वेंट। अब आइए थोड़ा सा मीनिंग देखते हैं, ब्लॉक मतलब आप समझ गए आयतकार खाना कोठा जिस पर चला जाता है गुड, और एग्रीड मतलब समझ गए, और कोट मीन समझ गए कोठा खाना, ये जो हो गया यहाँ हो गया इसको क्या कहेंगे कोठा खाना। हाँ मार्कर मतलब समझे गुड, होप्ड मीन समझे, ऐसे जो फेंकते हैं ना उछाला, या एक पांव पर फुदकी फुदका, यानी ऐसे ऐसे करके जो जाते हैं उसी को कहते हैं होप्ड। स्कीप का मतलब दोनों पांव पर उछालना, और सेकेंड राउंड का मतलब दूसरी बार, सेकेंड राउंड मीन्स दूसरी बार, टर्न मीन्स बारी गुड, एंड वर वॉचिंग मीन्स देख रहे थे। इतना हो गया आपको हाँ, चले क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे हाँ, फिर देखिए सडनली मीन्स क्या होता है अचानक, गुड। इक्वल मीन्स क्या हुआ बराबर, हाफ्स मीन्स क्या हुआ और थ्रू मीन्स क्या हुआ एक, पॉपुलर मीन्स क्या हुआ लोकप्रिय, ऑलमोस्ट ऑल मीन्स क्या हुआ लगभग सभी। चलिए तो इतना, और क्वेश्चन आंसर आप बना के हमको दिखाइएगा ओके ओके, कब दिखाइएगा अगले क्लास से पहले आप क्वेश्चन आंसर बना करके ठीक है आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज देंगे ठीक है ओके। इतना समझ में आ गया ना, अब इसमें से कुछ पूछें आपसे हम, चलो सेड का मतलब बताइए तो क्या होगा एस ए आई डी, एस ए आई डी,
अच्छा ये बताइए से मीन्स क्या होता है? अच्छा ये बताइए, हम आपको वो जितना भी लिखेंगे ना उसका एक ही मीनिंग बताए, ठीक है? टेल मीन्स क्या होगा? लंबा। नहीं नहीं, टॉल होता है लंबा, टेल कह रहा हूँ। टोल्ड मीन्स क्या होगा? कहना। आस्क मीन्स क्या होगा? आस्क मीन्स कहना। आस्क मीन्स आई आस्क यू, आई सेड यू, आई टेल यू, सबका माने क्या हुआ? कहना। क्या हो गया? चलिए तो इसको आप जो वर्ड मीनिंग नहीं है उसको याद कर लेंगे, ठीक है? और फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है?